आप सबों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सुधीर कुमार झा, सिद्धेश्वरी लक्ष्मीनाथ संस्कृत महाविद्यालय गझारा मधुबनी के आधुनिक विषयक दर्शन शास्त्रीय कक्षा में जैन थ्योरी ऑफ स्यादवाद विषय पर व्याख्यान देने हेतु उपस्थित हूँ। स्यादवाद या सप्तभंगी नए ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। सप्तभंगी नए का अर्थ सात पदार्थों का सिद्धांत। जैनियों के अनुसार वस्तु के अनंत गुण या धर्म होते हैं। अनंत धर्म कम वस्तु, वस्तुओं के इन अनंत धर्मों में से व्यक्ति को कुछ धर्मों का ही ज्ञान होता है, सबों का नहीं। परामर्श या नए द्वारा वस्तु के एक गुण को व्यक्त किया जाता है। सभी धर्मों को किसी परामर्श द्वारा व्यक्त करना संभव नहीं है। भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न परामर्श दिए जाते हैं, अतः प्रत्येक परामर्श सापेक्ष होता है। यही कारण है कि विभिन्न दृष्टिकोणों से एक ही वस्तु के संबंध में विरोधी एवं विपरीत गुणों का भाव या निषेध किया जा सकता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि वस्तु सत अथवा असत, सामान्य तथा विशेष, क्षणिक तथा नित्य है। स्यान नाशिनीयं सदृशं विरूपं वाच्य नौवाच्य सदसत तदेव। प्रायः वस्तुओं के इस स्वरूप तथा स्वभाव की अनदेखी कर अपने ही परामर्श या निष्कर्ष को एकमात्र सत्य मान लिया जाता है। इस प्रसंग में जैनी छह अंधों और हाथी की कहानी को उद्धृत करते हैं। अंधों ने हाथी के भिन्न भिन्न अंगों का स्पर्श कर उसी आधार पर पूर्ण हाथी का वर्णन किया। इस प्रकार जिस व्यक्ति ने हाथी का कान स्पर्श किया, उसे हाथी को तार के पंखे के समान बताया। जिसने पैर का स्पर्श किया, उसने खंभा के समान बताया। और जिसने शरीर का स्पर्श किया, उसने उसे दीवार के समान बतलाया। अंधों के बीच मतभेद इसीलिए उठ खड़ा हुआ क्योंकि सबों ने अपने आंशिक ज्ञान को पूर्ण समझा। उनका झगड़ा तुरंत शांत हो गया जब उन्होंने यह समझ लिया कि उनका ज्ञान पूर्ण हाथी का नहीं था, बल्कि हाथी के एक एक अंग का ही था। जैनियों के अनुसार प्रायः सभी दार्शनिक, धार्मिक एवं सैद्धांतिक कलह इसीलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि आंशिक सत्य को ही पूर्ण सत्य मान लिया जाता है। उदाहरण स्वरूप दृष्टिकोण भेद पर ध्यान नहीं देने के कारण इस प्रश्न पर कि कार्य उपादान कारण ही है या उससे भिन्न सत्कार्यवादियों एवं असत्कार्यवादियों के में गहरा मतभेद पाया जाता है। जैनियों के अनुसार यदि प्रश्न को सही ढंग से समझा जाए तो मतभेद की गुंजाइश नहीं रह जाएगी। अपने दृष्टिकोण से दोनों सिद्धांत सत्य हैं। जैसे यदि कार्य अर्थात हार को द्रव्य अर्थात सोना ही समझें तो सत्कार्यवाद सही सिद्धांत है, और यदि इसे सोने का बदला हुआ रूप समझें तब असत्कार्यवादी सत्य है, क्योंकि यह एक नई चीज़ हो जाती है जो द्रव्य में नहीं था। जैनियों के अनुसार इस तथ्य को दार्शनिक नहीं समझते हैं और परिणाम स्वरूप उनके बीच मतांतर का उदय होता है। किसी वस्तु को तीन तरह से जाना जा सकता है, दुर्णित, नए तथा प्रमाण द्वारा। किसी आंशिक सत्य को पूर्ण सत्य समझ लेना दुर्णित या खराब परामर्श है। जैसे किसी वस्तु के पूर्णतः सत होने का जिद करना, किसी आंशिक सत्य को बिना आंशिक या पूर्ण कहे व्यक्त करना नय है। जैसे यह कहना कि वस्तु सत है, किसी आंशिक सत्य को आंशिक सापेक्ष तथा सापेधिक मानकर कथन प्रमाण है।
जैसे स्यात सत प्रमाण होने के लिए प्रत्येक न के पूर्व स्यात शब्द का प्रयोग आवश्यक है। आप्तमीमांसा के अनुसार स्यात सत्य का प्रतीक है, सात्यकार है, सत्य लांछन है। जैनियों के अनुसार विभिन्न दृष्टिकोणों के विरोध स्यात द्वारा समाप्त हो जाते हैं। जैनियों के मतानुसार प्रत्येक नय को स्यात शब्द से युक्त होना चाहिए। ऐसा करने से नय की सीमा सापेक्षता तथा दूसरे दृष्टिकोण से दूसरे नय की संभावना की गुंजाइश बनी रहती है। अतः हमें घट अस्थि के बदले स्यात घट अस्थि कहना चाहिए। ऐसा कहने से यह स्पष्ट हो जाएगा कि घड़े का अस्तित्व एक विशेष देश काल गुण आदि के दृष्टि से है। इस कथन से इस मिथ्या ज्ञान का भी गुंजाइश नहीं रह जाएगी कि घड़ा प्रत्येक काल स्थान रंग तथा आकार में है। तर्कशास्त्र में प्रायः भावात्मक तथा निषेधात्मक दो प्रकार के वाक्य माने जाते हैं। जैनियों ने सात प्रकार के परामर्श या नय को माना है। किसी भी वस्तु का वर्णन भावात्मक या निषेधात्मक ढंग से हो सकता है। वस्तु के भावात्मक वर्णन में उसके अनेक धर्मों में से एक का भाव विधेय के स्थान पर किया जाता है। निषेधात्मक वर्णन में वस्तु के अन्य वस्तुओं के गुणों का जिनका इस वस्तु में अभाव होता है निषेध किया जाता है। वाक्यों के इस मान्य रूपों में जैनी स्यात शब्द का प्रयोग कर नय को निम्नलिखित सात ढंग से व्यक्त करते हैं। पहला, स्याद अस्ति। सभी भावात्मक निर्णयों को व्यक्त करने का यही तरीका है। घट के संबंध में अस्तित्ववाचक वाक्य का रूप होगा स्यात घट अस्ति। इस कथन से घरे के स्थान पर काल रंग आकार आदि को व्यक्त किया जाता है। दूसरा, स्याद नास्ति। घड़े के संबंध में निषेधात्मक वाक्य होगा स्याद घटह नास्ति। इस कथन का तात्पर्य है कि एक विशेष रंग आकार आदि का घड़ा अन्यत्र नहीं है। तीसरा, स्याद अस्ति च नास्ति च। यदि हमें अनंत धर्मों से युक्त घड़े का वर्णन इस रूप में करना हो कि यह एक रंग का भी का हो सकता है तथा कभी दूसरे रंग का, तो हमें इसे संयुक्त आकार अर्थात भावात्मक तथा निषेधात्मक दोनों रूपों में व्यक्त करना होता है। स्याद घट अस्ति च नास्ति च। चौथा, स्याद अवक्तव्यम। घड़ा भिन्न भिन्न रूप तथा रंग का हो सकता है, लेकिन यदि घड़े का रूप रंग अवस्था तथा काल में व्यक्त करना हो तो हमारे लिए स्याद घटः अव्यक्तव्यम ही कहना उचित होगा। इस कथन में कई दार्शनिक महत्व हैं। प्रथमतः यह सिद्ध करता है कि यद्यपि एक विशेष दृष्टिकोण से किसी वस्तु के बारे में भावात्मक या निषेधात्मक रूप से कहा जा सकता है, किंतु दृष्टिकोण भेद न करने पर इसके बारे में निश्चय रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। द्वितीयतः इससे यह स्पष्ट होता है कि कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिनके संबंध में स्पष्ट तथा निश्चित भावात्मक और निषेधात्मक उत्तर नहीं दिए जा सकते हैं। तृतीयतः ये नए यह भी सिद्ध करते हैं किसी वस्तु के संबंध में विरोधी गुणों का एक साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता। जैन तार्किक व्याघातकता नियम को कितना स्वीकार करते हैं इससे यह भी सिद्ध हो जाता है। पांचवा, स्याद अस्ति च अव्यक्तव्यम च। प्रथम नय को चतुर्थ नय के साथ जोड़ने पर पांचवा नय प्राप्त होता है। इस नय में बताया गया है कि एक दृष्टिकोण विशेष के अनुसार किसी वस्तु के संबंध में भावात्मक या अति अस्ति सूचक कथन किया जा सकता है, किंतु बिना दृष्टिकोण
को स्पष्ट किए इसके संबंध में जो कुछ कहना असंभव है, ऐसी स्थिति में वस्तु अर्थात घरे के संबंध में यही कहना ठीक है, स्याद घटः अस्ति च अव्यक्तव्यम च। छठा, स्याद नास्ति च अव्यक्तव्यम च। उपयुक्त द्वितीय तथा चतुर्थ नय को एक साथ जोड़ने पर छठा नय प्राप्त होता है। घरे के संबंध में इसका रूप होगा स्याद घटः नास्ति च अव्यक्तव्यम च। सातवां, स्याद अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च। उपयुक्त तृतीय एवं चतुर्थ नय को एक साथ जोड़ने पर सातवें नय की प्राप्ति होती है। घरे के संबंध में इसका रूप होगा स्याद घटः अस्ति च नास्ति च अव्यक्तव्यम च। जैनियों की स्यादवाद की तुलना कभी कभी पाश्चात्य विचारकों के सापेक्षवाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से की जाती है। सापेक्षवाद दो प्रकार का होता है, विज्ञानवादी सापेक्षवाद जिसके समर्थक प्रोटागोरस वर्कले सीलर आदि, तथा वस्तुवादी सापेक्षवाद जिसके समर्थक व्हाइटहेड बुडिन आदि। अब यदि जैनियों को सापेक्षवादी कहा जाए तो उन्हें वस्तुवादी सापेक्षवादी ही कहा जा सकता है, क्योंकि जैनी मानते हैं कि हमारा ज्ञान सापेक्ष तो है किंतु यह सिर्फ ज्ञाता मन पर निर्भर नहीं है अपितु अनंत धर्मक वस्तुओं के धर्मों के पारस्परिक संबंधों पर निर्भर है। जैनियों के स्याद शब्द के प्रयोग के कारण कभी कभी इन्हें संशयवादी समझ लेने की गलतफहमी देखी जा सकती है। इनकी तुलना ग्रीक संशयवादी दार्शनिक पीरो से की जाती है, क्योंकि उसने भी कहा था कि प्रत्येक परामर्श को मेवी शब्द से युक्त करना चाहिए। वस्तुतः जैनियों की पीरो से तुलना उचित नहीं है, क्योंकि वे उसकी तरह ज्ञान की अनिश्चितता में नहीं अपितु सापेक्षता में विश्वास करते हैं। स्यादवाद के कारण जैनियों का अत्यंत उदार एवं जैनियों का दृष्टिकोण अत्यंत उदार एवं सहिष्णु बन गया। इसके कारण उनमें अन्य दार्शनिकों के कारण को स्वीकार करने की उदारता दिखने लगी। जैनी दार्शनिक के इस दावे को कि उनका मत ही सत्य है नापसंद भी करते हैं। ऐसा दावा करने वाले एकांतवाद के दोष से ग्रस्त हैं। ऐसे विचारों का विरोध अमेरिका के नवीन वस्तुवादियों ने भी किया है, किंतु जैनियों ने सिद्धांत या व्यवहार में इसका पालन जिस दृढ़ता के साथ किया वह अन्यत्र दुर्लभ है। धन्यवाद।